माँ ये लो लड्डू खाओ। अरे बेटा लड्डू ये किस खुशी में? वो जो पड़ोस में सरमाइन आंटी है ना, उनकी बहू को बेटा हुआ है, वही देकर गई है लड्डू। अरे बेटा उसकी शादी के तो अभी 2 साल भी नहीं पूरे हुए हैं और देखो उसके घर में खुशखबरी आ गई। हमारे घर में देखो 4 साल हो गए पूरे शादी के, पर अभी तक पोती पोता का कोई अता पता नहीं है। हमारे तो करम ही फूट गए। हमारी तो मती मारी गई थी जो उस कलमुही से अपने बेटे की शादी करवा दी। हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं सारी बुआ बन गई हैं, एक मैं, पता नहीं बुआ बन भी पाऊंगी या नहीं। अच्छा ठीक है माँ, मैं ये लड्डू फ्रिज में रख रही हूँ, जिसका मन होगा वो खा लेगा। बहू बहू कहाँ मर गई है कलमुही? बहू जी माँ जी यहाँ आओ। जी माँ जी आई। जी माँ जी। बहू कुछ सुनाई दिया तुम्हें? पड़ोसन के घर में पोते का जन्म हुआ है और एक हमारा घर है, पता नहीं कब किलकारियाँ गूंजेगी हमारे घर में। उसकी शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, तुम्हारे शादी के पूरे 4 साल हो गए हैं, कब देखने को मिलेगा पोती पोता का मुँह? कुछ शर्म वरम आती है तुम्हें या नहीं, या फिर पूरी जिंदगी बांझी बनकर बैठी रहोगी? माँ जी बच्चे तो भगवान की मर्जी से होते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? चुप कर, ज्यादा प्रवचन मत दे, जा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। ये लीजिए माँ जी पानी। माँ जी मुझे रोज ताना सुनाते हैं बच्चों को लेकर, इसमें भला मेरी क्या गलती है? बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना, इसमें मैं क्या करूं? संजना तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता है, पर माँ जी भी जब कहीं पड़ोस में सुनती हैं कि उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो उनका भी मन करता है कि उनके घर में भी बच्चे हों, अपने पोता पोती को खिलाएं, और शायद इसीलिए वो परेशान होकर तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देती हैं। तुम परेशान मत हो, सावन आ गया है ना, भोलेनाथ हमारी जरूर सुनेंगे। हाँ आरवी मैं रोज भोलेनाथ जी की पूजा करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर में भी खुशियाँ दे दें। अरे सरला की कॉल। हेलो। हाँ सरला। कुंती कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ। तुझे पता है ना मेरी बहू का 5वां महीना चल रहा है, इसीलिए मैं सोच रही थी कोई छोटा मोटा फंक्शन ही कर दूँ, तो मैंने गोद भराई का फंक्शन रखा है, उसमें तुम्हें आना है और पारुल को भी ले आना। हाँ ठीक है मैं भी आऊंगी और साथ में पारुल को भी ले आऊंगी। अच्छा सुन एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। हाँ हाँ बोलो। यार तू अपनी बहू को मत लेकर आना, तुझे तो पता ही है वो बांझ है, और सभी लोग कहते हैं अगर किसी गर्भवती स्त्री पे बांझ का साया पड़ा तो उसके लिए बहुत अपशगुन होता है। ठीक है। ये कलमुही तो पूरे गांव में मेरी बेइज्जती कराएगी, देखो तो इसके बारे में लोग क्या क्या बोलने लगे हैं, इसके बारे में भी बोलते और मेरे परिवार के बारे में भी। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद पड़ोसी हमें किसी अपने फंक्शन में भी बुलाना बंद कर देंगे, पता नहीं कहां से ये पल्ले पड़ गए बांझ मेरे। अरे क्या हुआ माँ, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे पारुल बेटा क्या बताऊँ तुम्हें, अभी तुम्हारी सरला आंटी का फोन आया था, उनकी बहू भी गर्भवती है, 5वां महीना चल रहा है, इसीलिए उसने अपनी बहू के लिए गोद भराई का फंक्शन रखा है, मुझे और तुम्हें बुलाया है। और हाँ पता है क्या कह रही थी? अपनी बांझ बहू को मत लेकर आना, उसका बुरा साया पड़ेगा उसकी बहू पे। अब बताओ लोग हमारे घर के बारे में कितना बुरा भला बोलने लगे हैं उस बांझ की वजह से। माँ ये तो होना ही था,
अभी आगे देखो क्या क्या सुनने को मिलता है। लेकिन भैया उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है, अभी भी उस बांझ को सर पे चढ़ा के बैठे हैं। अच्छा अब ये सब छोड़ और जा जाके तैयार हो जा, हम चलते हैं सरला के घर। ठीक है माँ। अरे ओ महारानी कहाँ चल दी? अरे ननद जी सावन का सोमवार है ना, इसीलिए भोले बाबा की पूजा करने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी पूजा किया करो जिससे अच्छा पति मिले तुम्हें। ओए मैडम मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत तुम्हें है। तुम्हें पता भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं? आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। पारुली कैसे बात करी अपनी भाभी से? भैया प्लीज आप तो रहने ही दीजिए, आप ही चढ़ाइए इन्हें सर पे, हमारे बस की नहीं है। आरवी संजना तुम परेशान मत हो, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम जाओ भोलेनाथ जी की पूजा करो जाके, वो सब ठीक कर देंगे। ठीक है आरवी। सब मुझे बुरा भला बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे बुरा भला बोलते हैं। भोलेनाथ जी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और मुझे एक संतान दे दीजिए, मैं आपकी रोज पूजा करूंगी। भोलेनाथ जी प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, भोलेनाथ जी प्लीज। अरे ये किचन में भी नहीं है, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं और गैस भी अभी तक साफ नहीं हुई है, खाना भी अभी नहीं बनाया, पता नहीं कहाँ मर गए कल मुए। बहू आ बहू बहू बहू। अरे ये कमरे में भी नहीं है, फिर कहाँ चली गई, पता नहीं ये कहाँ मर गई सुबह सुबह कल मुए। अरे माँ आपको तो पता है आज सोमवार है, गई होंगी भोले बाबा के पास भीख मांगने। इस कलमुई ने तो जीना हराम कर रखा है, एक तो पोते पोती का सुख नहीं दे पा रही है और आज तो लगता है नाश्ता भी नहीं मिलेगा। ये दिन ब दिन काम चोर होती जा रही है, अभी इसे बताती हूँ। जितना पूजा पाठ कर ले भोलेनाथ तेरी एक नहीं सुनने वाले, तू बांझ है बांझ ही रहेगी, घर का सारा काम काज छोड़कर यहाँ चली आई, चलो चुपचाप घर सारा काम करो चल के। ठीक है माँ जी आती हूँ। जल्दी आ। देखा भोलेनाथ जी मेरी सासू माँ मुझे कितना सुनाती है, मैं आपकी रोज पूजा करती हूँ, भोलेनाथ जी मेरी सुन लीजिए, मुझे एक संतान दे दीजिए भोलेनाथ जी प्लीज, भोलेनाथ जी मुझे एक संतान दे दीजिए। संजना तुम रो क्यों रही हो? भला सुनाती है और मुझे रोज ताने मारती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार भी। मेरा तो जीने का भी मन नहीं करता। संजना तुम परेशान मत हो, तुम हिम्मत मत हारो संजना, अभी तुम भोलेनाथ जी की पूजा कर रही हो ना, देखना एक ना एक दिन वो हमारी जरूर सुनेंगे और भोलेनाथ जी ने चाहा तो बहुत जल्द हमें संतान प्राप्त होगी। और रही बात माँ जी की तो तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है यार भी। माँ आप संजना को क्यों बुरा भला बोलती रहती हो, उसे रोज ताने क्यों मारती हो? माँ वो कितना परेशान हो गई है, बेचारी रो रही है वो। तू तो चुप ही कर, एक तो वो बांझ है, ऊपर से उसके लिए तुम उससे लड़ने आ गया, तूने ही उसे सर पे चढ़ा रखा है, मेरा बस चले तो तेरी दूसरी शादी करवा दूँ। माँ ये कैसी बात कर रही हो आप, बहू है वो आपकी।
बहू है तो क्या करूं, सर पे चढ़ाकर बैठूं? एक पोता तो दे नहीं पाई, ऊपर से तू आ गया मेरा दिमाग खराब करने। चल जा यहाँ से। अरे कहाँ जा रही है मैडम? ननद जी, मैं भोलेनाथ जी की पूजा करने जा रही हूँ। अच्छा, और ये क्या इतना सारा दूध? माँ माँ देखो तो, आपकी लाडली बहू क्या करने जा रही है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे माँ देखो तो, ये महारानी कितना सारा दूध लेकर जा रही है भोलेनाथ पे चढ़ाने। कितनी बार बोला है, भोलेनाथ तेरी एक नहीं सुनने वाले। इतने दिनों में नहीं सुने हैं तो क्या आप सुन लेंगे? चल ला इधर दूध। आज मैं भोलेनाथ जी पर जल ही चढ़ा देती हूँ। जय भोलेनाथ जी। ये क्या, ये जल तो दूध बन गया। आपकी महिमा अपरंपार है। जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ। लगता है भोलेनाथ जी ने मेरी सुन ली। जय भोलेनाथ। आरवी, भोलेनाथ जी ने हमारी सुन ली। क्या सच में संजना? हाँ आरवी। जय भोलेनाथ। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं। हर महादेव। बेटा, यांशी, वीडियो को लाइक कर दीजिए।